खोलते अल्लाह को मालूम, मगर ना आप देख लो, आप देख लो कोई बात है क्या। अरे जहां नामपल्ली की मिसाल ले लो आप, कोई नजर नहीं आता। अब पांचवा साल आया कि दारे व्हाइट शर्ट ला देना, ये क्या है, क्या है, मजाक है? ये मजाक नहीं है, अवाम की खिदमत मजाक नहीं है भाई। मेरे बोलने के तरीके से आपको लग रहा होगा कि अच्छा मजाक, मगर ये आसान काम नहीं है, ये जिम्मेदारी है, बहुत मुश्किल काम है। और ये गैर जिम्मेदार लोगों पे कैसा भरोसा कर सकते आप, जो अपनी नफ्स की ख्वाहिश को मुतमईन करने के लिए, जो अपनी अना की खातिर आ रहे। अवाम की खिदमत नफ्स की ख्वाहिश और अनानियत के ऊपर नहीं की जा सकती। अवाम की खिदमत वही कर सकता है जो अपने नफ्स पर और अपने ईगो पर, अपने ख्वाहिशात को थोड़ा बाजू रखकर अवाम और गरीब की फिक्र करे। ठीक है, इंसान है, हमको फरिश्ता नहीं है, मैं कह रहा हूं मुझ में भी कई ऐब है, मगर मकसद तो यह है कि भाई हम किस मकसद से लड़े। अच्छा इनसे जाके पूछो आप क्यों लड़ना चाह रहे, नहीं नाम हो जाता, क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे भाई, नहीं भाई मेरे पास भी 10-15 गाड़ियां चलती हैं। अरे इनका मकसद अपनी जात को कामयाब करना, मजलिस जात पे काम नहीं करती, यानी पर्सनालिटी पे काम नहीं करती। मजलिस यह बोलती कि जो आवाम हमको वोट दे रही है उनके लिए काम करना, उनको फायदा पहुंचाना, यह मजलिस ने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बलाला अहमद बलाला हो या मजलिस के अराकीन हो, मैं इन तमाम का शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस मजहब का है, कौन किस बिरादरी का है, कौन दलित है, कौन बीसी है। जो आया काम करने के लिए, हमने पूरा दिल खोल के उसका काम किया। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मलक पेट में मिसाल दी जाती है, शहर हैदराबाद में अमन बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी थोड़ा थोड़ा मजलिस का रोल है, कुंचम कुंचम तो होगा, पूरा उनका होगा, हमारा तो छोटा तो रोल है। उस अमन को बरकरार रखा हमने, बीजेपी के कॉरपोरेटर कौन सा हट है, या कोई हट एरिया बोलते ना, अजय हट है, नहीं हट है ना, हट का एरिया, हाँ अजय हट। जब से बीजेपी कॉरपोरेटर था कुछ नहीं काम हो रहा, वहां बड़ा नाम लिए मोदी मोदी मट्ठी काम ही नहीं हो रहा, उन्होंने समझे वहां जीत गए, क्या हुआ, क्या काम करे। उल्टा वहां की आवाम बलाला साहब से आके काम लेती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कराए। फिर आप देखिए कि एक अजीमुशान आईटी टावर आ रहा है, 1000 करोड़ की लागत, 1000 करोड़ की लागत से आईटी टावर आ रहा है। अब जो बात करें कि हमारे को बोलते थे, अरे क्या कर रहे भाई, देखो कैसा हो रहा हूं, बात देखो हाईटेक सिटी, अरे हाईटेक सिटी है तो अभी आप ही हो रहा हूं, हम किए काम, मंजूरी लेकर आए। और मैं आपको बता रहा हूं उस आईटी टावर के लिए, बलाला साहब भी मुत्तफिक होंगे मेरी बात से, 3.5 साल हम दोनों को मेहनत करना पड़ा, 3.5 साल पीछे पड़ना पड़ा हुकूमत के। पहले जब गए तो बोले अरे का जमीन ही नहीं है, फिर ड्रोन से पूरा जमीन निकाले, उसका नक्शा बताए, ये बताए। अरे ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे ऐसे नफरत करने वाले बैठे हुए हैं, अरे बोले वहां क्या होगा सब, इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी व्हाट विल हैपन, मतलब इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी क्या होगा। मैं बोला वही सिटी में 4 मीनार है तुम्हारे पास नहीं है, वही सिटी में मक्का मस्जिद है तुम्हारे एरिया में नहीं है, किले गोलकुंडा है तुम्हारे पास नहीं है। हम बताए उनको कि भाई ये गवर्नमेंट की लैंड है, बनाओ। बहरहाल बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम को कामयाबी मिली। और मुझे यकीन है कि वो जब वो मुकम्मल हो जाएगा, 3 साल 2 साल जो भी उसका टाइम है, एक माशाल्लाह एक बेहतरीन यहां पे नौजवानों के लिए जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं जो भी है उनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी ये। मैं तो सिर्फ वहां जब बैठा था मैं इतना इतना खुश था, इतना अपने आप को शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह सुभाना व तआला का कि जो लोग मजलिस को ताना मारते, देखो वहां पे जाके देखो ये लोग शेरवानी कुछ नहीं कर रही। अरे बात करिए कि शेरवानी पे आ जाते, अरे समझ में नहीं आता इनको शेरवानी से क्या नफरत है, नहीं क्या शेरवानी पहने तो समझते कि हम लोगों का यूं है, शेरवानी पहनते पढ़े लिखे भी है, दिमाग भी है,
और सबको परेशान भी कर देते यहां से लेके वहां तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो टीवी आईटी टावर आ रहा है और उस मीटिंग में केटी रामाराव ने अच्छा कहा था कि मलकपेट में उनके बचपन में तो सुने के टीवी टावर मशहूर था, अभी आईटी टावर मशहूर होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर आप जानते हैं कि अभी बड़वा साहब ने जिक्र किया कि चंचलवाड़ा जूनियर कॉलेज में स्कूल और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, अगर मैं गलत ना कहूं तो करीब दो ब्रिजेस भी इनॉग्रेशन किए गए, इंशाअल्लाह ताला वो दो ब्रिजेस का भी काम शुरू होगा। जीएचएमसी के कम से कम मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 300 करोड़ के ऊपर के करीब काम जीएचएमसी में कराए गए। कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के 60 करोड़ के चेक अहमद बलाला मजलिस की तरफ से 4.5 साल में 60 करोड़ के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक ये यहां मलकपेट में दिए गए। 20 करोड़ की लागत से चंद्रवाड़ा का जूनियर कॉलेज बन रहा है और फिर 721 करोड़ रुपये रोड के ऊपर सीसी रोड कम्युनिटी हॉल नाला बॉक्स ड्रेन के लिए इसमें इस्तेमाल हुए और वो स्टील ब्रिज का काम स्लो चल रहा, मैं मानता हूं गलती हमारी, वो स्टील ब्रिज का काम जल्दी होना था, वो गुत्तेदार ऐसा मिला इजलास सुन रहा ने उन्हें। फिर मलकपेट में एरिया हॉस्पिटल में 52 करोड़ की लागत से वहां पर ऑक्सीजन प्लांट, 88 ऑक्सीजन बेड और 42 बीपीएल वार्ड, 37 एसएनसी वार्ड बनाए गए। फिर दबीलपुरा में 100 बेड के दवाखाने का वहां पर काम शुरू हुआ, 16 बस्ती दवाखाने बनाए गए, 4 यूपीएचसी बनाए गए, मिनी डायग्नोस्टिक हब बनाया गया। इलेक्ट्रिसिटी बिजली के डिपार्टमेंट में 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि 24 घंटे आपको बर्फी आ सके और बगैर बिजली के चीचा व्हाट्सएप नहीं देख सकते, चाची बात नहीं कर सकते किससे भी, तो चाचा चाची के लिए भी काम किए। अब इन्हें कहां से उतरा पैराशूट में नहीं मालूम इन्हें। अब आप देखिए कि ये काम मजलिस ने किया तो ये तमाम एक लंबी फेरिस्त है। करीब 75 करोड़ के वाटर वर्क्स के ड्रेनेज के नई पानी की लाइन के उसमें इस्तेमाल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मलाला साहब ने किया। मैंने आपसे एक वादा किया था कि इंशाल्लाह मलाला साहब को कामयाब करिए, मलकपेट एक मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। मैं 2009 में यही अकबर बाग के चौरस्ते पर ये बात मैंने आपके सामने खड़े होकर कही थी, उस वक्त बहुत से हमारे मुखालिफी हंस रहे थे ये आके बात कर रहे, मगर अल्लाह का करम है वो बात अब सच साबित हो रही है। टाइम जरूर लगा उसके लिए मगर मलकपेट एक मॉडल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है, जो एक गुलदस्ते के तरीके से आप तमाम ने मिलकर इसको सजाया है। एक यहां पर आपने एक बेहतरीन चमन बनाया है और उस चमन में हर फूल खिल रहा है। खुदा के लिए इन कांटों को उस चमन में आने मत दो, ये कांटे हैं, इस चमन को बर्बाद करना चाहते हैं, इनको खुशहाली देखी नहीं जाती।